इलाके में दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया है, जहां लुटेरों ने पापड़ कारोबारी से 3,83,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। बताया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक करमली चक की शाखा में पापड़ कारोबारी अपने कर्मचारी के साथ रुपए जमा करने के लिए आया था, जहां बैंक का लिंक फेल होने के कारण रुपए जमा नहीं कर सका। वहीं आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद कारोबारी अपने कर्मचारी के साथ घर लौटने लगा। उसी दौरान बाइक सवार दो अपराधी पापड़ कारोबारी से रुपए भरा बैग लेकर फरार हो गया छीनकर। वहीं लूट की घटना के बाद पीड़ित पापड़ कारोबारी ने बाईपास थाना की पुलिस को सूचना दी, जहां पुलिस ने लूट के मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना, जिसमें बाइक सवार अपराधी बैग लेकर फरार होते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने पीड़ित कारोबारी को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान कर उसे जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है। सोना रानी के साथ न्यूज टीम की रिपोर्ट। क्या घटना घटी आपके साथ? कल मेरा छोटा भाई और मेरा एक स्टाफ था, जो कि घर से निकले थे बैंक जमा करने के लिए पैसा। दो मकान बाद मेरा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, करमली चक ब्रांच में। वहाँ पैसा जमा करने के लिए गए थे, लिंक फेल होने के कारण मैंने उनको बोला कि आप आधा घंटा वहाँ रुकिए, नहीं होता है फिर आप वापस आ जाइएगा घर। तो जब आधे घंटे के बाद इन्होंने वापस आया, ये करीब 11:30 बजे के लमसम की बात है, तो ये लोग घर के मेरे दरवाजे पे दो बाइक सवार थे, जो कि स्पीड में आए, बैग को झपटा और तुरंत भाग गए। मतलब स्पीड में ही थे, जो कि बैग को झपटे और भाग गए। कितने रुपए थे? वही 3 लाख के आसपास के रुपए थे जो उन्होंने ले गया है वहाँ पे। पटना पुलिस को जानकारी दी है क्या था? बाईपास थाना को हम लोग गए रिपोर्टिंग के, वहाँ से लोग आए भी, हमारे दरवाजे पे आए भी, और उनका एसएसपी के यहाँ से क्यूआरटी टीम भी आया था, क्विक रिस्पांस टीम। हम लोग बैंक में जाकर के फुटेज भी देखे, वो आदमी पहले से ही बैंक में मौजूद था जो बाइक को चला रहा था। वो बैंक में घुसा हुआ आदमी था, और उसको बैंक के फुटेज में देखा गया कि वो अगला आदमी कुछ भी काम नहीं कर रहा था बैंक के अंतर्गत, और वो सिर्फ और सिर्फ बैठा रहा, आदमी को भापा कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसको मौका मिला वो मार करके चला। 12 घंटे से ज़्यादा समय बीत गए, क्या अभी तक क्या जानकारी मिली? जानकारी उस बंदी के बारे में तो कुछ मिला नहीं है, लेकिन हाँ, ये कल रात को आए थे दरोगा जी, आए थे बाईपास थाना का, मेरे से एप्लीकेशन वगैरह लिखा करके मेरे से यहाँ से ले गए हैं। अभी तक मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। क्या नाम हुआ? नितेश मेरा नाम हुआ। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल News Crime 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।